बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सैंडविच केक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप पार्टीज वगैरह में इसको ज़रूर ट्राई किया करें। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सैंडविच केक की हम 3 लेयर्स रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल की लेयर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया शिमला मिर्च, जिसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। गाजर ली है, इसको भी अच्छी तरह मैंने कद्दूकस कर लिया है। बंद गोभी ली है, इसको स्लाइस में कटिंग कर लिया है। मायोनीज ली है, नमक लिया है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर भी 1/2 टीस्पून लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे, गाजर डालेंगे, आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपका दिल चाहे उतना डालें। बंद गोभी डालेंगे, नमक ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर, मायनीज ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अगर हमें जरूरत हुई तो हम मायनीज इसमें और ऐड कर लेंगे। वेजिटेबल फिलिंग रेडी है। अब हम नेक्स्ट फिलिंग रेडी करेंगे। नेक्स्ट हम चिकन की लेयर लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1/2 कप लिया है चिकन। इसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह बॉईल कर लिया था और बाद में इसके रेशे रेशे कर लिए हैं। 1/2 कप मेयोनीज चाहिए, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चाहिए नमक। एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम सारी चीजें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर, हस्बे जरूरत हम इसमें मायनीज ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको। हमारी सेकंड लेयर भी रेडी है चिकन की। अब हम थर्ड लेयर के लिए रेडी करेंगे। नेक्स्ट हम लेयर लगाएंगे एग्स की ही। तो इसके लिए मैंने 4 एग्स लिए हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह बॉईल करके इसको चॉप कर लिया है बारीक बारीक। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक, क्रीम चीज लेंगे 1/4 कप और 1/4 कप ही लेंगे मायनीज। एक बाउल लेंगे, इसमें हम सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। एग्स ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर भी डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे, क्रीम चीज ऐड करेंगे। मायनीज ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। इसको भी एक साइड में रख देंगे। हमारी तीनों लेयर्स रेडी हैं, वेजिटेबल लेयर और चिकन की, एग की। इसके अलावा हमने लिए हैं 16 लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। 1/4 कप लिया है हमने मायनीज, 1/4 कप क्रीम चीज। अगर आपके पास क्रीम चीज नहीं है तो आप सिर्फ मायनीज यूज कर लें। ऑलिव्स लिए हैं हमने 4 अदद, इसको मैंने सेंटर से कटिंग कर लिया है। टमाटर लिए हैं और खीरा लिया है स्लाइस में कटिंग किया हुआ, और इसको मैंने सेंटर में कटिंग कर लिया है। अब हम इसको रेडी करते हैं। एक डिश लिया है हमने, इसमें हम स्लाइसेस लगा देंगे। आप चाहें तो आप इसके किनारे काट लें, लेकिन मैंने इसके किनारे नहीं काटे क्योंकि जब इसके ऊपर मायनीज लगेगी तो खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह साइड रख देंगे। इसके ऊपर हम चिकन की लेयर लगाएंगे, सारा डाल देंगे हम, इसको फैला लेंगे। चिकन की लेयर को हमने अच्छी तरह फैला लिया है। अब इसके ऊपर फिर से ब्रेड रखेंगे,
रखते जाएंगे सारे। सेट कर लेंगे इसको। अब इसके ऊपर एक ही लेयर लगाएंगे, सारी सेटिंग कर लेंगे। एक की लेयर लग चुकी है, अब इसके ऊपर फिर से स्लाइसेस लगाएंगे। अब इसके ऊपर गाजर की लेयर लगाएंगे, ब्रेड के ऊपर, सारी वेजिटेबल की, सॉरी, जो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। फैला देंगे इसको। सारी वेजिटेबल को हमने अच्छी तरह फैला दिया है। अब इसके ऊपर फिर से ब्रेड रखेंगे। ब्रेड लग चुकी हैं हमारी सारी ब्रेड, देखें नीचे से लेके ऊपर तक सारी इक्वल हैं। आपने इसको आगे पीछे नहीं करना वरना इसकी बाइंडिंग मुश्किल हो जाएगी। अब इसके ऊपर फिर से मायोनीज लगाएंगे, इसको कवर कर देंगे। पूरी के ऊपर लगा देंगे, मायोनीज लगा दी है। अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, इसको फुल कवर कर देंगे हम अच्छी तरह। अच्छी तरह क्रीम से इसको कवर करने के बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर खीरा लगाएंगे इस तरह। इस तरह करके लगाते जाएंगे। सारा अप्लाई कर देंगे ऐसे ही। खीरा हमने सारा अप्लाई कर दी है। अब इसके किनारे पे हम ऑलिव्स लगाएंगे। आप जिस तरह चाहे इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, इसको खूबसूरत बना सकते हैं। आपके घर गेस्ट आए हैं, आप मेहमान आए हैं, या पार्टी हो, कुछ भी हो, आप ये खूबसूरत सा केक बना सकते हैं। इसको खाकर सभी बहुत खुश होंगे, बहुत ही मजे का बनता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलिव्स भी लगा दिए हमने। इसकी साइडों में टमाटर लगाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे हम। एक टमाटर ले लेंगे, इसका मोटा मोटा से छिलका में उतार लेंगे, छिलका इसका तोड़ना नहीं है हमने, ऐसे उतारते जाएंगे। छिलका पूरा हमने उतार लिया है, अब इसको हम रोल कर लेंगे। पूरा रोल करते जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत सा फूल बन गया है, इसके सेंटर में रखेंगे हम। इसे सेंटर में रख देंगे। इसके साइड में हल्की हल्की गाजर डाल देंगे कद्दूकस की हुई, देखने में खूबसूरत लगेगा ये। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर लिया करें। जी तो हमारा खूबसूरत सा सैंडविच केक रेडी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।